बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हमारा प्यारा किचन। तो यहाँ तो चलिए जी, आज मैं बना रही हूँ फालूदा। तो फालूदे के लिए मैंने आधा लीटर दूध गर्म करने रखी है। तो दूध में अच्छे से बॉयल आ चुका है, दूध पक गया हमारा। तो यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं गैस को लो कर देती हूँ थोड़ा से। और यहाँ देखिए, मेरे पास 1 चम्मच ओनीला कस्टर्ड है, तो इसमें मैं थोड़ा से दूध ऐड करती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ देखिए, मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ले रही हूँ। आप इसमें वो जितना आपको लगता है उस हिसाब से, आपको मीठा लगता है उस हिसाब से आप लेना। तो यहाँ पे इसमें एक बार चीनी को अच्छे से घुलने देते हैं दूध में। चीनी यहाँ पे अच्छे से घुल गई है। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे ये हमारा कस्टर्ड। तो यहाँ पे आप, मैंने कस्टर्ड का इस्तेमाल करी, आप 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे इसको फौरन से मिक्स कर लेंगे, नहीं तो इसको छोड़ेंगे तो इसमें पूरी लम्स पड़ने लगेंगे। तो यहाँ पे इसको अच्छे से कस्टर्ड को पकने देंगे, इसमें जो भी इसकी कच्ची स्मेल है तो ये निकल जाए और थोड़ा सा ये थिक भी हो जाए। कस्टर्ड हमारा अच्छे से पक गया। तो यहाँ पे मैं देखिए, आधी प्याली में मैं डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम। आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं तो नहीं स्किप भी कर सकते, लेकिन ये डालें तो टेस्ट अच्छा आएगा इसमें। और यहाँ कस्टर्ड डाल के ज़्यादा नहीं पकाना है हमें। तो चलिए जी, यहाँ 1 मिनट अच्छा हो गया, पक चुका है। यहाँ पे इसको अभी हम गैस को बंद कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितना मज़े की हमारी ये फालूदे तैयार है। यहाँ पे देखिए, इसको अभी हम अच्छे से ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब ये ठंडा होएगा तभी हम आगे इसमें जो करना है, जो डालना है उसको डालेंगे। तो चलते हैं, मैं गैस को बंद कर देती हूँ। चलिए जी, ये हमारा जो फालूदे का कस्टर्ड जो है, इसको एक बॉल में हम डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से बहुत अच्छे से चिल्ड हो चुका है। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए, ये सिवैया को मैंने बना के रखी थी। मैंने पहले वीडियो डाली हूँ फालूदे की, तो उसमें सिवैया कैसे बनाते पूरी मैंने डिटेल वीडियो डाली हूँ। पहले आप जाएंगे हमारे चैनल पे तो इंशाल्लाह आपको वो भी मिल जाएगी। तो ये सिवैया को इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा मैंने तुकमलंगा भिगाने डाली थी, ये इसमें 2 से 3 चम्मच डाल देते हैं हम। ये देखिए, ये इसकी तासीर अच्छी है, ठंडी है। यहाँ देखिए, कुछ ड्राई फ्रूट ली हूँ, बादाम ली हूँ और पिस्ते ली हूँ और काजू है। अगर काजू आपको पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, बाकी इसके बदले दूसरा और भी कुछ ऐड कर सकते हैं आप। तो ये इसमें डालेंगे, बहुत ज़बरदस्त हमारा फालूदा बन रहा है। तो दोस्तों, रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए तशरीफ लाए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ देखिए, ये फालूदे की रेसिपी आप बनाइए, अफ्तार में रखिए, रोज़ेदार बड़े खुश हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें अभी हम डालेंगे फालूदे की जान जो है, तो रुआ अफ़ज़ा इसको इसमें डालेंगे। तो रुआ अफ़ज़ा आप कितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप लेना। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको डालती हूँ इसमें, तो मैं अच्छा खासा 2 चम्मच भर के डालूंगी। यहाँ पे इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो चलिए, इसकी यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं। और ये देखिए, जबरदस्त टेस्टी फालूदा, ठंडा ठंडा। इसको रखिए, अच्छे से चिल्ड होने के बाद इसको आप निकालिए अफ्तार के टाइम। तो यहाँ देखिए, इसमें जो हमने रुआ अफ़ज़ा डाले हैं, तो इसको अच्छे से कलर आने देने तक अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, है ना ज़बरदस्त फालूदा।
यहाँ देखिए माशाल्लाह मजे के हमारे फालूदा तैयार है। तो ये आज की रेसिपी कैसी लगी है तो फटाफट हमें कमेंट में बताइएगा और रेसिपी को एंजॉय करिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।